किराना शॉप या फर्नीचर कैसा डिजाइन होना चाहिए जिससे स्टॉक को मैनेज करने में आसानी हो। आज का ये वीडियो एक साधारण से दिखने वाले रैक्स और शेल्फ्स पर आधारित है, क्योंकि अक्सर लोगों का सवाल होता है कि किराना स्टोर या दुकान के स्टॉक को सही से मैनेज करने के लिए किस तरह की रैक्स और शेल्फ्स होने चाहिए जिससे सामान नजरों में भी रहे और सुरक्षित भी रहे। कोरोना महामारी के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पसंद कर रहे हैं, ऐसे में ये लोगों की आदत में भी शुमार होता जा रहा है। यदि आपकी शॉप अभी भी पुराने तौर तरीकों से चल रही है तो अधिकतर लोग आपकी शॉप पर आने से कतराएंगे। किसी कारणवश वो आ भी जाते हैं तो ये मुमकिन है कि वो आपके परमानेंट ग्राहक ना बन पाए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप आज के माहौल को समझते हुए उसे अपनाएं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि एक स्टैंडर्ड किराना शॉप का फर्नीचर कैसा होना चाहिए। नंबर वन, यदि आपकी शॉप बड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शॉप छोटी है तो निकास द्वार यानी आने जाने वाले एरिया को बैरिकेड से डिजाइन कर दें, जिससे आने का रास्ता और जाने का रास्ता अलग अलग हो। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा और लोग डिसिप्लिन में सामान खरीदेंगे। नंबर टू, दुकान का फर्नीचर आप वुड या माइल्ड स्टील से बनवा सकते हैं। नंबर थ्री, रैक बनवाते समय इस बात का ध्यान रखें कि ये एडजस्टेबल हो, यानी कि अगर किसी सामान की लंबाई चौड़ाई अधिक है तो भी उसे एडजस्ट किया जा सके। नंबर फोर, वुड के फर्नीचर बनवाना आम बात है, लेकिन लकड़ी के फर्नीचर में दीमक लगने के चांसेस बने रहते हैं और इनको एडजस्टेबल बनाना भी थोड़ा कठिन होता है। इसलिए यदि आप अपनी शॉप का फर्नीचर माइल्ड स्टील से बनवाते हैं तो इनकी मजबूती वुड फर्नीचर से अधिक होगी। 15 से 20 साल तक आपको जबरदस्ती इनकी मरम्मत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 5, जब भी दुकान के लिए शेल्फ्स बनवाएं तो ये देखें कि उसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है। माइल्ड स्टील शेल्फ्स की बात की जाए तो आप इसमें 50 से 70 किलो की लोडिंग कैपेसिटी पा सकते हैं। नंबर 6, फर्नीचर ऐसा हो जो दिखने में भी खूबसूरत लगे। कोशिश करें कि पूरी दुकान और फर्नीचर सफेद रंग से पेंट करवाएं। सफेद रंग से वातावरण शांत और खुला हुआ दिखता है। नंबर 7, सफेद रंग की दुकान में हरे लाल नीले रंग की शेल्फ्स कलर करवाएं। ये दिखने में खूबसूरत लगती है, साथ ही आंखों को आकर्षित भी करती है। नंबर 8, आप अपने हर स्टॉक के साथ प्राइस टैग भी लगा सकते हैं, जिससे आपके कर्मचारियों को किसी भी प्रोडक्ट का बार बार प्राइस जानने में समय बर्बाद नहीं करना होगा। इससे ग्राहकों को भी जल्दी सेवा मिलेगी। नंबर 9, फर्नीचर एडजस्टेबल वाला बनवाएं, जिससे यदि आपकी शॉप चेंज हो तो भी आप अपने फर्नीचर को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। कोशिश करें कि लकड़ी की जगह माइल्ड स्टील वाला एडजस्टेबल फर्नीचर बनवाएं, जिससे आपका पैसा किसी एक शॉप पर फर्नीचर पर ना फंसे। नंबर 10, फ्रोजन प्रोडक्ट्स के लिए फ्रीजर ऐसा चूज करें जिससे आपका सारा फ्रोजन प्रोडक्ट्स एक में आ सके। इसके लिए आपको अलग अलग अरेंजमेंट की आवश्यकता ना पड़े। ये हैं कुछ बेहद आसान से टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी दुकान को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, साथ ही अपने स्टॉक को अच्छे से मैनेज भी कर सकते हैं। ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है।